वाराणसी जिला महेशपुर शिवपुर दुखिया पोखरी के पास मालती देवी नामक एक 28 वर्ष की विधवा महिला ने 5 बच्चों को लेकर रहती है, जिनके पति को हार्ट अटैक हुआ 2 साल पहले। उनकी मौत हो गई और किसी बड़े घर में जाकर बर्तन कपड़े धुलती है, जिनका उन्हें 300 रुपये मिलता है। और ऐसे ही वो 3-4 घरों में इसी तरह बर्तन धुलकर अपने 5 बच्चों का जीविकोपार्जन चलाती हैं। और ऐसे ही इस गांव की 50-60 विधवाएं इसी समस्या से परेशान हैं। मानव जी, मेरा नाम है। पति जी का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद जी। 5 बजे उठते हैं, सुबह 7 बजे खाना पीना बनाते हैं, बनाकर बच्चे लोगों को खिला पिला कर काम करें। वही झाड़ू पोछा घर का काम करते हैं, चौका बर्तन करते हैं, महीना भर उधर करते हैं तो 400-500 मिलता है, तो बच्चे लोग का परवरिश करते हैं। विधवा पेंशन के लिए आपने आवेदन पत्र डाला था भाभी? हाँ, 2 साल हो गया ये, हम पैसा सब सब बच्चे को पेट काट काट कर हम दिए, हमारा विधवा पेंशन नहीं आया। विधवा पेंशन के लिए हम लोग को कह कर गया कि हम विधवा पेंशन तुम लोगों को दिलवाएंगे जी, और वो अभी तक पैसा लेकर गया, आया नहीं। सभासद जी से कहे तो वो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो पता नहीं, हमको पता नहीं। कितने लोगों का पैसा लेके गया? बहुत सारे 50 औरतों का, 50-60 जने का लेकर चले गए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की सभासद उर्मिला जी इस गांव की पूरी तहकीकात करते हुए इन गरीब विधवाओं के लिए, जो इतने मुश्किलों के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उनके लिए कम से कम विधवा पेंशन का ही पूरा लाभ दे और इन्हें विधवा पेंशन समय पर दिया जाए। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करना चाहती हूँ कि यहाँ की सभासद उर्मिला जी को इस नंबर पे 9794093772 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।